सो हेलो गाइज, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे। तो गाइज, आज हम लोग कुछ इस टाइप का प्रोफेशनल सीवी एडिटिंग सीखने वाले, वो भी पिक्सार्ट एप्लीकेशन का मदद से। एंड गाइज, इस वीडियो में आज हम लोग हेयर स्टाइल एंड हेयर को सीवी एडिटिंग में आज हम लोग एडिट करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक बनने वाला है। वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड गाइज, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज, आपसे मेरा एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अभी तक ने मेरा इंस्टाग्राम को भी नहीं फॉलो किया तो जाओ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये वाला बैकग्राउंड आप लोग को यहाँ पे गैलरी पे ओपन कर लेना है। एंड आप लोग को यहाँ पे शेयर वाला आइकन पे टैप करना है। एंड आप लोग को पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ये वाला बैकग्राउंड ओपन कर लेना है। एंड गाइस, पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर आते ही कुछ इस तरह का आप लोग को यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। एंड गाइस, बैकग्राउंड ओपन होते ही अपना मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड फॉर्म में जाके हमारा मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हम लोग ये वाला मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पे फिर से ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो गाइज, इसका जो हम लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड को यहाँ पे रिमूव कर लेंगे, ठीक है, ये ओरिजिनल वाला बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये वाला बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप लोग को सिंपली कटआउट टूल का मदद लेना होगा। तो आप लोग को यहाँ पे कटआउट टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग को यहाँ पे फोटो कर लेना है जूम। एंड आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा साइज को एडजस्ट करके यहाँ पे बाहर का साइड में आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला आइकन पे क्लिक करना है। ये वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया है एडजस्ट, ठीक है। तो जहाँ का भी एडजस्ट नहीं हुआ आप लोग यहाँ पे ब्रश के मदद से आप लोग एडजस्ट कर लेना है, रबर वाला टूल की मदद से। एंड गाइज, सिंपली एडजस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे फिर से सेव वाला आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है। रिमूव करने के बाद आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद गाइज देख सकते हैं फोटो हो गया सेव यहाँ पे। एंड गाइज, जो इसका कपड़ों पे यहाँ पे जो सीवी एडिट में जो चमक होता है ना कपड़ों में, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वो डालने के लिए आप लोग को सिंपल सा आप लोग यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करना है। एंड ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो कलर्स होता है ना, ये ब्लैक ब्लैक कलर पे यहाँ पे क्लिक करना है। एंड आप लोग जो भी यहाँ पे शर्ट का ऊपर कलर डालना चाहता है वो आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया। एंड आप लोग यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ब्रश कर लेना। तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रश करने के बाद आप लोग को सिंपली लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इसका जो ये वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद गाइज इसका नीचे को आना है। एंड आप लोग को यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं ये मैजिक, ठीक है। गाइज देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लिक में ही सीवी इफेक्ट आ गया शर्ट के अंदर। एंड कितना कूल लग रहा है। तो गाइज ये आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फॉलो कर लेना है, यहाँ पे डन। एंड गाइज उसके बाद आते हैं इसका जो यहाँ पे चश्मा, मतलब कि यहाँ पे सनग्लास पे कलर ले आना। तो आप लोग को फिर से ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से ड्रॉ पे जाना है। एंड ड्रॉ पे जाने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे फिर से कलर्स को सिलेक्ट कर लेना है। कलर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को फिर से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना। एंड गाइज आप लोग जो भी कलर लेना चाहते हैं वो ही सिलेक्ट कर लेना। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे ब्रश को एडजस्ट कर लेना। एंड फोटो कर लेना है जूम। एंड आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एंड गाइज यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आप लोग को फिर से लेयर पे क्लिक करना है। एंड लेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से नॉर्मल पे क्लिक करना है। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डार्कन पे क्लिक कर देना है। डार्कन पे क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं इसका जो चश्मे के ऊपर जो कलर चमक रहा है वो भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फिर से राइट वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो कर लेना है, फिर से सेव। आते ही इसका जो फेस में जो सीवी इफेक्ट, मतलब कि यहाँ पे व्हाइट थोड़ा सा, वो डालने के लिए आप लोग को सिंपली टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से एडजस्ट पे क्लिक करना है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सैचुरेशन पे क्लिक करना है।
सैचुरेशन को कर देना है -17 एंड आप लोग को यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्राइटनेस पे आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेना है जो लगातार 4, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे रबर वाला टूल पे क्लिक करना है एंड आप लोग यहाँ पे पूरा ही रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आप लोग को फॉलो कर लेना है जूम एंड आप लोग को यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे ब्रश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख कर लेता हूँ। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आप लोग को राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे कर लेना है इसको डन, ठीक है। एंड गाइज इसमें आप लोग को फिर से एक सीबी इफेक्ट डालना है, मतलब कि यहाँ पे क्लियरिटी को बढ़ा लेना है सीबी के लिए, ठीक है। तो सीबी का मेन चीज क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है एंड टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करना है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लियरिटी पे क्लिक करना है। क्लियरिटी को यहाँ पे बढ़ा देना है जो लगातार यहाँ पे रखोगे, मतलब कि आप लोग 29 भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा 29, ठीक है। तो आप लोग 29 ही रख लेना है, फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे राइट वाला आइकन क्लिक करके यहाँ पे फुल लेना है डन। एंड गाइस जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का जो काम था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में जाना होगा एंड इसका हेयर एंड फेस को स्मूथ कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली फोटो कर लेना है सेव। तो मैं यहाँ पे जाके फोटो कर लेता हूँ सेव, ठीक है। तो सेव इमेज पे जाके यहाँ पे फोटो कर लूँगा सेव, यहाँ पे गैलरी पे जाके सेव कर लूँगा, ठीक है। तो सो फाइनली यहाँ पे गैलरी के अंदर फिर से फोटो को ओपन कर लिया है जो हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अभी एडिट किया, ठीक है। एंड उसको फिर से शेयर कर देंगे एंड ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में इस पिक को यहाँ पे शेयर कर लेंगे। एंड गाइस ऑटोडेस्क स्केचबुक ओपन होती कुछ इस तरह का आप लोग का यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे मैं फोटो कर लेता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट एंड फोटो कर लेता हूँ यहाँ पे जूम, ठीक है। जो मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर स्टेप में आप लोग को यहाँ पे हेयर करना है, ठीक है। तो आप लोग को ए वाला आइकन पे क्लिक करना है, मतलब कि ये वाला टूल्स पे। एंड टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में जाना है एंड नीचे को और आना है। नीचे को और आने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का आप लोग यहाँ पे ब्रश मिलेगा, ठीक है। इस तरह का ब्रश आप लोग को मिलते ही आप लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर जो सेकेंड लाइन पे ए वाला ब्रश है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे इसका सेटिंग पे क्लिक करना है एंड सेटिंग को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करना है। आप लोगों को फ्लोर को लग देना है 19 एंड इसको भी आप लोग यहाँ पे 19 रख लेना है। एंड आप लोग को यहाँ पे जो साइज है उसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जो लगातार 10 एंड 95, ठीक है। तो वो बढ़ाने के बाद आप लोग को यहाँ पे हेयर पे चला देना है ब्रश को, ठीक है। तो मैं आप लोग ऐसा करके चला देना, तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख कर लूँगा जो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए। एंड गाइज चलाने के बाद गाइज देख सकते हो इसका हेयर स्टाइल भी बन गया जो जैसा जो सीबी एडिट में लगता है। इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हैं जो सुख डेबिल का जो हेयर होता है वो सही हेयर यहाँ पे बन गया, ठीक है। सेकेंड नंबर स्टेप पे इसका जो फेस को स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए आप लोगों को फिर से ए वाला आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में आना है और लाइब्रेरी में आने के बाद जो फर्स्ट नंबर जो कॉर्नर पे ए वाला ब्रश आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका सेटिंग पे आप लोग को फिर से क्लिक करना है एंड सेटिंग को आप लोग को यहाँ पे फ्लोर को रख देना है आप लोग को यहाँ पे 1%। उसके बाद इसको आप लोग यहाँ पे रख देना है 7%, ठीक है। 7% रखने के बाद आप लोग साइज को अपने हिसाब से रख लेना। तो मैं यहाँ पे 20 रख लूँगा, मैं जो स्पीड में अभी करूँगा। तो आप लोग 10 से करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। एंड गाइस देख सकते हैं इसका हेयर स्टाइल एंड फेस भी स्मूथ हो गया। एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो सीबी एडिट का जो फुल स्टेप वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सीबी एडिट हो गया कंप्लीट। तो ये फोटो को कर लूँगा यहाँ पे सेव। तो ए वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को कर लेना है, गैलरी के अंदर क्लिक करके फोटो को कर लेना है सेव। कि आप लोग को ये सीबी एडिटिंग का सारे स्टेप इस वीडियो के अंदर मिल गया। ये फोटो अगर आप लोग थोड़ा सा लाइट रूम में जाके रिटचिंग कर लोगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा फोटो।
तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।